तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा अप। नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जहां पर ताऊ देवीलाल की जयंती पर आज चौटाला खानदान में एक ताकत की जंग होगी जहां पर इनेलो और जज्बा शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। आज किसानों के मसीहा और पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल का 108वां जन्म दिवस है। जयंती के बहाने उनके खानदान में ताकत की जंग होगी। ताऊ देवीलाल के परिवार से ही बनी इनेलो की दो बड़ी पार्टियां अपनी अपनी ताकत दिखाएगी, जहां पर एक तरफ INLD यानी इंडियन नेशनल लोकदल है जो आज जींद में समारोह के तौर पर एक रैली करेगी, और वहीं पर JJP जननायक जनता पार्टी की तरफ से नूह जिले के गाँव हिलालपुर में दिल्ली मुंबई हाईवे पर ताऊ देवीलाल की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। देवीलाल के पोते अभय चौटाला इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, तो दूसरी तरफ पोते अजय चौटाला इनेलो से अलग होकर जजपा का गठबंधन कर चुके हैं। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवेलनाबाद से पूर्व विधायक अभय चौटाला ने बताया है कि जींद के अनाज मंडी में होने वाली समान दिवस रैली प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी। समान दिवस रैली में देशभर से बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे, तीसरे मोर्चे की आगामी रणनीति को भी तैयार करेंगे और रैली में पूर्व प्रधानमंत्री HK देवागौड़ा, यूपी के पूर्व CM मुलायम सिंह यादव, पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल, JDU के KC त्यागी, TMC के सिन्हा, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला, भाईक्यू के प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे, जबकि मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व CM OP चौटाला मौजूद होंगे। अभय चौटाला ने दावा किया है कि देश की जनता बदलाव चाहती है, समय के हिसाब से तीसरे मोर्चे की जरूरत है। पूर्व में स्वर्गीय प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल ने विपक्षी पार्टियों के जुट कर तीसरे मोर्चे का गठन किया था, सरकार भी बनाई थी। अब पूर्व CM OP चौटाला भी उन्हीं पार्टियों को जुटकर तीसरे मोर्चे का गठन करने जा रहे हैं, जिसकी नींव सम्मान दिवस रैली में रखी जाएगी। वहीं पर JJP द्वारा आज चौधरी देवीलाल की सबसे बड़ी प्रतिमा नूह जिले के गांव हिलालपुर में दिल्ली मुंबई हाईवे पर स्थापित की जाएगी, जो कि 42 फीट ऊंची होगी। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव की ओर से ये बताया गया है कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती को JJP देश प्रदेश में चौधरी देवीलाल में आस्था रखने वाले उनके अनुयायियों हर्षोल्लास से मनाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में दिल्ली मुंबई हाईवे पर नूह जिले के हिलालपुर गांव में ये प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी, और जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां हैं वो लगातार पूरी कर ली गई हैं। वहीं पर आज जींद में इनेलो की समान दिवस रैली के ऊपर बड़ी निगाहें रहेंगी, जहां पर ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती का मौका है। 1.25 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 6 एकड़ में 4 पंडाल हैं वो शामिल किए गए हैं। जींद के नए अनाज मंडी में इनेलो समान दिवस के तौर पर इसका आयोजन करने जा रही है। 6 एकड़ में पंडाल होगा, 4 स्टेज होगी। पंडाल में करीब 1.25 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और रैली अब से कुछ देर बाद यानी करीब 10:30 बजे के आसपास शुरू होगी। शाम के 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। मुख्य अतिथि के तौर पर आए लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। रैली में तीसरे मोर्चे का ऐलान संभव है और तमाम जो सूत्रों की माने तो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो एक बड़ी अपडेट थी जहां पर आज पूरे हरियाणा की निगाहें दोनों पार्टियों पर रहेगी, क्योंकि एक तरफ INLD जो इस बिखराव के बाद अपने अस्तित्व को बनाए रखने की जंग लड़ रही है, ऐसे में क्या 10 साल की सजा काटकर वापस लौटे OP चौटाला कई नई जान फूंक पाएंगे? क्या वाकई में वो एक संजीवनी बूटी का काम करेंगे INLD के लिए? और आज जिस तरीके से उन्होंने लगातार पिछले कई दिनों से हरियाणा के तमाम जिलों में जाकर लोगों को अवेयर किया था, इस रैली में पहुंचने का न्योता दिया था, वो कितना असरदार होता है, क्योंकि इन्हें लोग कह रही है कि यहाँ पर लाखों की भीड़ होगी और ये अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस रैली में किस तरीके की भीड़ होती है, वहाँ पर किस तीसरे मोर्चे का ऐलान संभव है या उसकी रूपरेखा बनेगी, कौन कौन नेता वहाँ पर बड़े पहुँचेंगे, क्या इसका सीधे तौर पर देश की राजनीति के साथ साथ प्रदेश की राजनीति पर असर पड़ेगा, क्या इसका सीधा असर कांग्रेस या फिर BJP और JJP के ऊपर पड़ेगा, और JJP को आखिर इसमें कितना नुकसान होगा, क्योंकि दोनों परिवारों में अपने अपने तरीके से एक जंग है। शक्ति प्रदर्शन अपने आप को एक अस्तित्व को बनाए रखने की जंग है। सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट INLD के पास है वो है किसानों के साथ होने का, क्योंकि ऐसे में कांग्रेस भी काफ़ी बच कर पाँव रख रही है, लेकिन INLD एक ऐसी पार्टी है जिसके एकमात्र विधायक थे अभय चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दिया जनवरी महीने में और उसके बाद वो किसानों के साथ आ गए। तो अब उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि अब तीसरे मोर्चे का ऐलान होगा और निश्चित तौर पर
एक बड़ा उलटफेर होगा, लेकिन ये सब चीज़ें तय होगी कुछ ही देर बाद जब आप और हम देखेंगे कि इस तरीके से वहाँ पर कौन कौन पहुँच पा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।